हिंदू धर्म में गौ सेवा पुण्य का काम है, गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। कहा जाता है कि गाय को पालने से घर में शांति मिलती है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गौ सेवा करते देखा होगा, और अब इसी गौ सेवा का फायदा ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी मिल रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारतीय गायों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में मानसिक तौर पर बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ क्वींसलैंड में काओ कडलिंग केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में लोग मानसिक शांति के लिए गायों को गले लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये लोग गायों के साथ समय बिताकर सुकून पा रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो अब इसके लिए बकायदा फीस भी ली जा रही है। हैरानी की बात देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम देने वाली कंपनियां अब गौ सेवा पर भी इंश्योरेंस कवर देने की योजना बना रही हैं। आपको बता दें कि काओ थेरेपी के लिए भारतीय नस्ल की गायों को चुना गया है क्योंकि वो शांत होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में मानसिक समस्या से गुजर रहे कई लोग अब गायों की सेवा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, घबराहट और डिप्रेशन से पीड़ित हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग अब धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। एक महिला ने बताया कि भारतीय गायों ने मेरी जान बचाई है। इस महिला ने कहा कि एक साल पहले तक अगर किसी ने मुझे काओ थेरेपी के बारे में कहा होता तो मैं इसे हास्यास्पद ही समझती, लेकिन काओ थेरेपी की वजह से मैं पहले से बेहतर हुई हूँ। काओ थेरेपी के लिए सेंटर शुरू करने वाले एक शख्स ने बताया कि मैं यहाँ लोगों को ठीक होते देख रहा हूँ। उन्होंने बताया कि यहाँ कई तरह की मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग आ रहे हैं। मैंने रेस के घोड़ों के साथ लंबा समय गुजारा है, लेकिन वो आक्रामक होते हैं, कभी भी आप पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए मैंने गायों को चुना। गायों के साथ समय गुजार कर मैंने भी शांति और खुशी पाई है।